मौलानाओं ने तो मुसलमानों को रोबोट मान लिया। बाप रे बाप, भाई साहब भाजपा के वरिष्ठ नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का तहलका मचा देने वाला बयान आया है, और बयान सुनने के बाद भाई साहब हम तो कपकपा गए, एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन सोशल मीडिया पर भाई साहब तहलका मचा है बयान, और बयान आप भी सुनेंगे तो अचंभे में हो जाएंगे, क्योंकि रिमोट और रोबोट जैसे शब्दों का प्रयोग हो चुका है इसमें, और धर्म विशेष पर तो ये भाई साहब पीछे ही नहीं हट रहे कहने से। फिलहाल सुनिए कि बयान कौन सा है। मानव ने तो मुसलमानों को रोबोट मान लिया, कुरान भर दी है, अभी कुरान के मुताबिक चलेंगे। आज दुनिया बदल रही है, आदमी मंगल और चांद की सैर कर रहा है, विज्ञान कहां से कहां जा रहा है, और ये मुसलमानों को किस सदी में ले जाना चाहते हैं। कोरोना महामारी जो विकराल रूप धारण कर चुकी है, जिसकी मांग हर व्यक्ति कर रहा है, वैक्सीन का इंतजार हो रहा है, उस वैक्सीन के बहिष्कार की बात मात्र इस बात के लिए मौलाना कराना चाहते हैं कि यहूदियों ने साजिशन इसमें सुअर का खून मिला दिया है। मैं बताना चाहता हूं मौलानाओं को कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ की 173वीं आयत में मरा जानवर लहू और सुअर का गोश्त हराम किया है, खून नहीं लिखा हुआ है। और अगर खून हराम किया है, लहू हराम किया है, तो फिर बीमारी पर लहू और खून चढ़वाते क्यों? उसको भी फिर बैन कर दो, उसको भी हिदायत कर दो कि कोई ना चढ़ावे, ये भी तो तुम्हारी कुरान के खिलाफ है। ना समझ लोग हैं, और मैं क्या बताऊं। इन्हीं की एक आयत में है, इसी सूरा बकर की 213वीं आयत है, जिसमें इन्होंने अल्लाह मियां ने खुद फरमाया है कि पहले तो सबका मजहब एक था, लेकिन जब इंसान इख्तलाफ करने लगा इससे, यानी वैमनस्यता उनके अंदर पैदा हुई, तो उन्होंने समय समय पर नबी भेजे और उनको हिदायत देने के लिए आसमानी किताबें भेजी। आसमानी किताबें अल्लाह स्वयं भेजने की बात कह रहा है, उन किताबों की तस्दीक भी कर रहा है, और उसके बाद अपनी ही किताबों से कंट्राडिक्ट भी कर रहा है उनको, बाद में कुरान भेज रहा है, आखिरी पैगंबर भेज रहा है। ठीक है, ये आपका अपना मसला है, आपका अपना धार्मिक मसला है, आप जानो, लेकिन मैं साधारण तौर पर एक बात कहना चाहूँगा कि पहले जो बड़ा लड़का पैदा होगा वो बड़ा होगा कि छोटे लड़के को आप बड़ा बता दोगे? मूसा अलैहिस्सलाम छोटे हो गए और जो बाद में पैदा हुआ वो मतलब जो है वो बड़ा हो गया। खैर, तुम्हारा अपना मामला है, चाहे जिसको फजीलत बख्शो चाहे जिसको बसारत दो, हम इसमें कौन दखल करने वाले होते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि माननीय योगी जी ने जो बात कही थी, अगर मुसलमान आज भी हमारी प्रधानमंत्री जी की बात और योगी जी की बात मान लें, पहले आप भी कहते हो कि पूर्वज नहीं बदल सकते, माननीय योगी जी ने कहा था, मजहब बदल सकते हैं, और अगर आप हमारे पूर्वजों को अपना पूर्वज मान लो तो जाहिर सी बात है कि आपसे पहले आई हुई किताबें, चाहे हमारे वेद हो चाहे श्रीमद् भगवद् गीता हो, ये भी आपको स्वीकार्य हो जाएंगी। और जब ये स्वीकार हो जाएंगी तो ये जो समय समय पर आप लोग बदलाव करते हो ना अपनी किताबों में, ये बदलाव नहीं रह जाएगा, और अब तो बदलाव करने लायक भी नहीं रह गए हो, इसलिए कुरान आपकी आखिरी किताब हो गई है। कितना मुसलमान आज कुरान के ऊपर पालन कर रहा है, कौन जुआ नहीं खेल रहा है, कौन सूद ब्याज की कमाई नहीं खा रहा है, कौन शराब नहीं पीता है, कौन झूठ नहीं बोलता है, कौन शरीयत का पालन कर रहा है, कहां पर चोरी में हाथ काटे जा रहे हैं, आप जरा सा सोचिए। ये बदलाव की जरूरत है, हमारे संविधान में बदलाव हो रहा है, आपकी कुरान में बदलाव कौन करेगा? आपके कुरान में बदलाव आप तो कर नहीं सकते हो, धार्मिक मामला पड़ जाएगा, लेकिन जीवन की दिनचर्या में तो बदलाव कर सकते हो, रोजमर्रा की चीजों में तो बदलाव कर सकते हो। हमारे योगी जी की नसीहतों को मान लो, आप मुख्य धारा में आओ, आप जो विकास की गंगा बह रही है इसको स्वीकार करो। देश 21वीं सदी में जा रहा है, 22वीं सदी में जाएगा, आप कहां ले जाना चाहते हो अपने बच्चों को? वैक्सीन की दवा नहीं पियोगे,
तुम मरोगे, सबको मारोगे, यह हक किसने दे दिया? तुम तो जन्नत में चले जाओगे मरने के बाद। हमारे यहां भी है, हमारे यहां भी स्वर्ग है, लेकिन अभी हम लोग स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप लोग जन्नत नसीब होना चाहते हो तो योगी जी से कह दिया जाए कहीं पर अलग कर दिया जाए आपको, फिर न पीना वैक्सीन की दवा, वैक्सीन न चढ़वाना आप, सब किया जा सकता है, लेकिन नहीं। मैं मौलानाओं को सलाह देना चाहता हूं, धर्म की गुट्टी इतनी न पिलाइए इनको, इनका जीवन दुर्भर हो जाए, जीवन कठिन हो जाए, ये बेमनुष्यता। बस कीजिए भाई साहब, बस कीजिए, आप तो पूरा चढ़ाई किए दे रहे हैं, लगता है पूरी तैयारी के साथ आए थे। फिलहाल अब ज्यादा कह देंगे तो ये भी दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल हमारे मंकी जंपर्स में उत्तर प्रदेश के लिए एबीएन न्यूज 24 की बैनर पावर। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।